हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो उधारी के खरीद को लेकर के है। ये उधारी क्या होती है, कैसे हम खरीदेंगे और कैसे हम एंट्री पास करेंगे टैली में, तो उसका मतलब होगा कि हम उधार माल खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया है सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में। आपको अच्छे से पता है सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सन्ड्री डेटर यानी कि जो आपसे माल खरीदेगा, ठीक है, संडी क्रेडिटर यानी कि जो माल बेचता है और बेचने के एवज में जो पैसे लेगा, सामान बेचने के एवज में, तो उसे कहेंगे संडी क्रेडिटर पार्टी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी हम दो लेजर्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी वाउचर्स पे चलते हैं और यहां पर आ जाएंगे हम सीधा, कहां सीधा आ जाएंगे हम परचेज वाउचर में। तो यहां पर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो हमने दे दिया, एंटरप्रेस किया, वहां पे डेट आएगी जिस डेट पे ये खरीदारी हो रही है, एंटरप्रेस करेंगे। अब यहां पर बहुत सारी क्रेडिटर पार्टियों का लेजर मैंने बना रखा है, मैं एक और क्रेडिटर पार्टी का लेजर क्रिएट कर देता हूं। यहां पर देखिए, सबसे आसान बात क्या है कि आपको कहीं भी जाना नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आती है तो घबराइए मत, कहीं भी जाना नहीं है। ऊपर यहां पर क्रिएट पे जाइए, एंटरप्रेस कर दीजिए, यहां पर आप संडी क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना लीजिए। जैसे मैं कर देता हूं गौरव, सी सी यानी क्रेडिटर, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहां पर आ गए। अब यहां पे एस प्रेस कर लेता हूं संडी क्रेडिटर के लिए, यहां पर संडी क्रेडिटर ग्रुप में इसे डाल देंगे, मेंटेन बिल बाय बिल, इसे यस रखेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और एंटरप्रेस करते हुए इसे करा लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहां पर कंट्रोल ए प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे और यहां पर कंट्रोल ए प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। परचेज अकाउंट का एक लेजर बनेगा जो मैंने पहले से बना रखा है, इसे लगा लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर कोई भी स्टॉक आइटम, जैसे यहां पे फ्रिज है, मैं यहां पर कीबोर्ड एक स्टॉक आइटम बना रहा हूं, तो यहां लिखा हमने कीबोर्ड। ओके, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और यहां पर यूनिट की बात आएगी। तो यूनिट बनाना कैसे, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, अगर आइटम है तो आइटम कर दीजिए, पैकेट है तो पैकेट कर दीजिए, ऐसे करके आपको यूनिट बनाना है। तो मैंने पहले से बना रखा है तो यहाँ आइटम कर देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, अलग से जीएसटी रेट वगैरह देना चाहते हैं तो यहां पे दे सकते हैं। अब क्वांटिटी की बात आती है, तो मान लीजिए 70 क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं और एक की कीमत हमें पड़ रही है 200 रुपए, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहां पर टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब फिर यहां पर मान लीजिए एक और स्टॉक आइटम बना लेते हैं हम, माउस, MOUSE माउस कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहां पर एंटरप्रेस किया। अब देखिए यहां पर मैंने ग्रुप भी बना रखा है। ठीक है, तो यहां पर आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर सकते हैं, यहां से देख रहे हैं ये ग्रुप भी हमने बना रखा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई और ग्रुप भी है, जैसे ग्रुप कैसे बनाएंगे, यहां लिस्ट ऑफ ग्रुप आ रहा है, देखिए यहां पर आप चले जाइए क्रिएट पर, एंटरप्रेस कीजिए, यहां पे एक और ग्रुप बनाता हूं, जैसे यहां पे लिखता हूं मैं ग्रोसरी, तो ग्रोसरी का भी एक ग्रुप हमने बना दिया, इसे प्राइमरी के अंडर ही डाल देते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी के अंडर डाल दिया इसे और एंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो अभी यहां पे देख सकते हैं ग्रोसरी भी आ गया है और दो ग्रुप्स आपको शो होंगी। तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी शो हो रहा है और ग्रोसरी भी शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डालेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सामान है। आइटम कर देता हूँ यहाँ पे एंटरप्रेस करके और इसे करा लेता हूँ एक्सेप्ट। ठीक है, अब मान लीजिए 50 आइटम हम इसके परचेस कर रहे हैं माउस के और एक की कीमत 120 रुपए पड़ रही है, उसके हिसाब से टोटल आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम शुगर परचेस कर रहे हैं, शुगर इसके लिए हमें अब यूनिट बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर आएंगे, न तो हमारा आइटम से काम चलेगा न तो पैकेट से काम चलेगा, तो आईटीएम यानी आइटम, पैकेट यानी पैकेट। तो यहां क्रिएट पर जाइए, नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए और क्रिएट पर चले जाइए, एंटरप्रेस कर दीजिए और यहां पे बना लीजिए किलोग्राम, केजी कर दिया मैंने, फॉर्मल नेम इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम, क्योंकि चीनी तो हम किलोग्राम में ही खरीदते हैं, तो ये किलोग्राम कर दिया हमने। के प्रेस करूंगा, किलोग्राम वाली यूनिट आ जाएगी और यहां से आप किलोग्राम चूज कर लीजिए और यहाँ पे 3 कर देता हूं, हो सकता है कि आधा किलो खरीदे तो 0.500 ऐसे करके आ जाएगा, दैट्स व्हाई यहाँ 3 कर दिया है और एंटरप्रेस करके इसे करा लेता हूं एक्सेप्ट, करा लिया। अब यहां पर आएंगे तो मान लीजिए कि आप 40 किलो चीनी परचेस कर रहे हैं और 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है, 1 किलो चीनी की कीमत है 40 रुपए, तो उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट आ गई, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पर अगर आप कोई जीएसटी लगाना चाहते हैं तो जीएसटी मैंने पहले से इनेबल कर रखा है, तो यहाँ सीजीएसटी दे देता हूं, तो ये सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया। जब भी सेम स्टेट की बात आएगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, दोनों लेजर पहले से क्रिएटेड है तो ये मैंने लगा लिया। ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहां पे नरेशन डाल सकते हैं। ठीक है, द गुड्स हैव बीन परचेज, मैंने फिलहाल नहीं डाला है, एंटरप्रेस करता हूं और इसे करा लेता हूं एक्सेप्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने इसका पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट कैसे होगा, देखिए कैसे पता चलेगा कि हमने पेमेंट नहीं किया। देखिए यहां पर जैसे ही आप वाउचर्स में आएंगे और आपको जाना होगा कहां पे, पेमेंट वाउचर में, पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करेंगे
और यहां पर सप्लायर का कोई भी इनवॉइस नंबर आप दे दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर जैसे ही आइएगा तो आपके क्रेडिटर पार्टी का क्या नाम था वो नाम आपको लेना होगा, ठीक है, सेलेक्ट करना होगा। तो गौरव सी करके था हमारे क्रेडिटर पार्टी का नाम, यहां पे ले लिया। अब नीचे यहां पे देख सकते हैं कि यहां 25,488 रुपए बैलेंस शो कर रहा है पहले से ही, तो 25,488 रुपए का सामान इन्होंने खरीदा हुआ है, ठीक है, इसका पेमेंट इनको करना है। बात समझ में आ रही है, 25,488 रुपए उधार है इनके ऊपर, ठीक है। अब यहां पर डेट भी आप चेंज कर सकते हैं, F2 प्रेस कीजिए। अब मान लीजिए सितंबर की डेट रखी गई थी, तो यहां कर देता हूं 2/10/2020 कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। तो यहां पे अब जो है जो एंट्री हम पास करेंगे, जैसे पेमेंट वाउचर में जो एंट्री हम पास करने वाले हैं, तो यहां पे देख सकते हैं अब यहां 2 अक्टूबर आ रहा है, पहले सितंबर आ रहा था अब अक्टूबर आ रहा है। तो यहां पर उस क्रेडिटर पार्टी का नाम हम ले लेंगे, ठीक है, ये ले लिया हमने, यहां पर सेलेक्ट किया इसे। अब कुल मिलाकर के 25,000 रुपए हम पेमेंट कर रहे हैं, 488 रुपए मैं छोड़ रहा हूं सिर्फ आपके समझने के लिए। तो यहां 25,000 रुपए हमने कर दिया पेमेंट, एंटर प्रेस किया। अब यहां पे देखिए ये अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है, और यहां अगेंस्ट रेफरेंस पे आपका है, और ये देखिए ये आपका बिल नंबर था, आपको याद है यही नंबर हमने डाला था, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो अभी ये पेमेंट हो रहा है, ठीक है, हमने खरीदा था कब, जिस डेट पे खरीदा था वो एक पहली एंट्री हो गई, अब पेमेंट कर रहे हैं, तो उस उधार वाले खरीद वाले माल का हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कैश कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहां पर नरेशन डाल सकते हैं, एंटर प्रेस किया। अब हम जब दोबारा इसका पेमेंट करने जाएंगे, ये हमारे क्रेडिटर पार्टी, इसको ले लिया हमने, तो अब यहां देखिए केवल 488 रुपए, ठीक है, वही बैलेंस शो हो रहा है। अगर 488 रुपए भी आप पेमेंट कर देते हैं तो वो बैलेंस हो जाएगा नील, यानी जीरो हो जाएगा। तो अभी देखिए यहां पर इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब यहां पर वापिस से आता हूं, तो यहां 1/12/2020 कर देता हूं मैं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, 1 दिसंबर आ रहा है, एंटर प्रेस कर दिया। अब जब हम वो पार्टी को लेंगे, यहां पे नाम उस पार्टी का लिया हमने, तो यहां पे देखिए बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो यानी कि कोई भी उधार इनका बचा नहीं, ठीक है, इसे कहते हैं हम उधार। भाई आई बात समझ में।